केंद्र से अधिकारों की लड़ाई में आज दिल्ली सरकार को बड़ा झटका लगा है। हाईकोर्ट ने सुनवाई में कहा कि पुलिस जमीन और कानून व्यवस्था से जुड़े मामलों में आखिरी फैसला केंद्र ही करेगा, यानी दिल्ली पर केंद्र का अधिकार है और रहेगा। आइए देखते हैं रिपोर्ट। दिल्ली का बॉस कौन, इस सवाल को लेकर जारी तकरार के बीच दिल्ली हाईकोर्ट ने केजरीवाल सरकार को बड़ा झटका दिया है। कोर्ट ने साफ कर दिया है कि एलजी ही दिल्ली के प्रशासक हैं और दिल्ली सरकार उनकी मर्जी के बिना कानून नहीं बना सकती। आर्टिकल 239 डबल ए का जिक्र करते हुए कोर्ट ने कहा कि अधिकारों की इस लड़ाई में एलजी ही दिल्ली के असली बॉस हैं। आर्टिकल 239 डबल ए दिल्ली को केंद्र शासित प्रदेश का स्पेशल स्टेटस देता है। ऐसे में भूमि कानून व्यवस्था और पुलिस केंद्र के अधीन रहेगी। एलजी अरविंद केजरीवाल सरकार की सलाह मानने को बाध्य नहीं है। दिल्ली सरकार एलजी की इजाजत के बिना कोई कानून नहीं बना सकती। कोर्ट ने 9 याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान यह फैसला सुनाया। दरअसल पिछले साल केजरीवाल और एलजी कई मुद्दों को लेकर आमने सामने रहे और ये लड़ाई इसलिए हुई क्योंकि एलजी ने केजरीवाल सरकार के फैसलों को या तो रद्द कर दिया या फिर मानने से इनकार कर दिया। मई 2015 में केंद्र सरकार ने अधिसूचना जारी कर साफ कर दिया कि एसीबी केंद्रीय कर्मचारियों पर कार्रवाई नहीं कर सकती। एसीबी दिल्ली सरकार के अधीन नहीं है। केजरीवाल सरकार ने अधिसूचना को चुनौती दी। जुलाई 2015 में केजरीवाल के विरोध के बाद भी एलजी नजीब जंग ने एमके मीणा को एसीबी नियुक्त किया। केंद्र ने कहा कि एसीबी एक पुलिस स्टेशन है जो एलजी को रिपोर्ट करेगा। इतना ही नहीं, अगस्त 2015 में केजरीवाल ने शीला दीक्षित सरकार के वक्त गाड़ियों को फिटनेस सर्टिफिकेट देने में धांधली मानकर जांच कमीशन बिठा दिया। एक जनहित याचिका में केजरीवाल के अधिकारों को चुनौती दी गई। दिल्ली में जमीन डीडीए संस्था के अधीन है, लेकिन अगस्त 2015 में केजरीवाल ने खेती वाली जमीन सर्किल का रेट बढ़ा दिया। इन सभी फैसलों को लेकर एलजी और केजरीवाल के बीच खटपट रही और अधिकारों की लड़ाई का ये मुद्दा जिला अदालत से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक जा पहुंचा। इन फैसलों को लेकर गुरुवार को हाईकोर्ट ने भी दिल्ली सरकार को फटकार लगाई है। कोर्ट ने कहा, दिल्ली सरकार के सीएनजी फिटनेस स्कैम और डीडीसीए स्कैम में कमिश्नर ऑफ इंक्वायरी का ऑर्डर देना गैर कानूनी है क्योंकि इस मामले में एलजी की सहमति नहीं ली गई थी। दिल्ली सरकार एलजी की सहमति के बिना कोई कानून नहीं बना सकती है। सरकार को कोई भी नोटिफिकेशन जारी करने से पहले एलजी की मंजूरी लेनी होगी। कोर्ट ने यह भी साफ कर दिया कि एसीबी केंद्रीय कर्मचारियों पर कार्रवाई नहीं कर सकती। दिल्ली सरकार के दोनों मामलों में कमेटी बनाने के फैसले अवैध हैं। हाईकोर्ट से झटके के बाद अब दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कही है, यानी कि अब साफ है कि दिल्ली सरकार और एलजी की लड़ाई सुप्रीम कोर्ट तक जारी रहेगी। वाकई हाईकोर्ट का यह फैसला दिल्ली सरकार के लिए बड़ा झटका है। अब सुप्रीम कोर्ट से केजरीवाल को राहत मिलेगी या नहीं, इस पर सभी की निगाह टिकी है। देखते रहिए टीवी लाइव।